आप जानते नहीं कि विदर्भ हमारा मित्र है? मैं विदर्भ पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए कि चेटी युवराज शिशुपाल जो अब चेटी राज बन जाएंगे, विदर्भ की सहायता के लिए चले जाएंगे। महाराज शिशुपाल महापराक्रमी है, वो राजा वीरेंद्र को अवश्य पराजित करेगा और संभव है कि वो राजा वीरेंद्र का वध भी कर दे। आप राजा वीरेंद्र के पुत्र युवराज राजेंद्र को अमरावती का राजा बना दीजिए, आपकी राजनीति सफल होगी, रुक्मी शिशुपाल से कृतज्ञ होगा और सौंदर्य शौर्य से प्रभावित होकर शौर्य पर मोहित हो जाएगा। काका श्री सम्राट जरासंध ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद के साथ साथ आदेश भेजा है। आदेश? वो क्या? अमरावती के राजा वीरेंद्र विदर्भ पर आक्रमण करने निकले हैं और उन्हें विदर्भ पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। काका श्री की आज्ञा का पालन होगा दंतवक्र, हम राजा वीरेंद्र को विजय प्राप्त नहीं करने देंगे। आक्रमण! 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 राजा वीरेंद्र, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें विदर्भ तक खींच लाई है, सावधान। साथी, रथ को पिताश्री के पास ले चलो, शीघ्र। आगे बढ़ो सैनिकों, विदर्भ की सेना पर टूट पड़ो। आज हम विदर्भ पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे। सपने देखना बंद करो राजन, अपनी रक्षा करो। आज तुम अमरावती जीवित वापस नहीं जा सकते। पश्चात विदर्भ पर विजय प्राप्त करने की मेरी इच्छा आज पूरी हो रही है। मैंने विजय श्री प्राप्त कर लिया। रुक्मी सैनिकों, इन पिता पुत्र को बंदी बना लो। शिशुपाल, दंतवक्र,
बेटी राज शिशुपाल, करुष राज दंत वक्र, हम विदर्भ युवराज रुक्मी के मित्र हैं। तुम अपनी धृष्टता के लिए महाराज भीष्मक और युवराज रुक्मी से क्षमा मांग लो, अन्यथा क्षमा और मैं मैं क्षमा मांगू? राजा विजेता पराजित से क्षमा मांगेगा? हमारे होते हुए विजय प्राप्त नहीं कर सकते वीरेंद्र, हमारा आदेश है। किसे आदेश दे रहे हो मूर्खो? वीरेंद्र चुपचाप महाराज भीष्मक की शरण में आ जाओ, अन्यथा मृत्यु की शरण में भेज दिए जाओगे। अमरावती नरेश, तुमने अपना शौर्य दिखा लिया, अब तुम मेरा रण कौशल देखो। मित्र शिशुपाल, मेरे मित्र। महाराज भीष्मक को शिशुपाल का प्रणाम। महामंत्री, सुना आपने, हमारे शिष्य चेटीराज शिशुपाल ने विदर्भ की रक्षा की, आपकी नीति सफल हुई। महामंत्री, राजा वीरेंद्र का वध हुआ, शिशुपाल बन गया विदर्भ नरेश, भीष्मक के गले का हार। महाराज, अब तो शिशुपाल और रुक्मिणी के विवाह में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी। महाराज भीष्मक की, युवराज रुक्मी की, चेटीराज शिशुपाल की, करुषराज दंतवक्र की। भाभी, महाराज और युवराज आ गए, उन्होंने राजा वीरेंद्र सिंह को परास्त कर दिया। परास्त ही नहीं, उसे जीवन से ही मुक्त कर दिया है। आरती की थाली लो, चलो हम उनका स्वागत करते हैं। चेटीराज शिशुपाल की, करुषराज दंतवक्र की। परंतु भाभी, ये जय जयकार तो तुम्हें पता नहीं, आज की विजय केवल चेटीराज शिशुपाल के शौर्य के कारण ही प्राप्त हुई है। इसीलिए तो शिशुपाल और करुषराज दंतवक्र को विदर्भ के राजहंस में सम्मानित किया जाएगा। महाराज भीष्मक की, युवराज रुक्मी की, चेटीराज शिशुपाल की, करुषराज दंतवक्र की।
क्या बात है राजकुमारी, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए राजकुमारी, इतना महान संकट टल गया। आपको द्वार पर जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं, कभी नहीं, मैं उसका स्वागत नहीं कर सकती जिससे मैं घृणा करती हूँ। मैं उस शिशुपाल का मुंह भी नहीं देखना चाहती। महारानी, ये चेटीराज शिशुपाल और करुषराज दंत वक्र हमारे विदर्भ के तारणहार हैं। इनके कारण ही आज हमारी पराजय विजय में बदल गई। चेटीराज, करुषराज, हम आपके कृतज्ञ हैं। ये तो महाराज भीष्मक का बड़प्पन है जो हमारी बड़ाई कर रहे हैं। हमने तो केवल अपने धर्म का पालन किया है। हम सब सम्राट जरासंध के गणतंत्र के अधीन हैं, अर्थात एक दूसरे के हितैषी हैं। देखा जाए तो कोई संबंध ना होते हुए भी हम सब संबंधी हैं। आप जैसे संबंधी के होने पर तो हर किसी को गर्व होगा। अभी यदि विदर्भ और चेटी देश के बीच कोई संबंध नहीं है तो क्या, आज के पश्चात संबंध बन भी सकते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, विदर्भ में और चेटी देश में संबंध बनने जा रहा है। क्या? सुन रहे हैं आप? क्या आप मुरली बजाने में ही मग्न रहेंगे? कुछ पर दया नहीं आती आपको? क्या मेरा प्रेम स्वीकार नहीं है? मैंने तो मन ही मन आपको वर लिया है। आप ही मेरा पाणी ग्रहण कीजिए द्वारिकाधीश, मेरा पाणी ग्रहण कीजिए, पाणी ग्रहण कीजिए द्वारिकाधीश, मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपने देवी रुक्मिणी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देवर्षि, देवी रुक्मिणी ने मेरे लिए और मेरी लीला में सहयोग देने के लिए ही तो अवतार लिया है। कदाचित मनुष्य योनि में अवतरित होने के कारण भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसकर वो मुझे पुकार रही हैं। यही तो मैं कह रहा हूं प्रभु, आप उनकी पुकार सुन क्यों नहीं रहे? देवर्षि, मेरा देवी रुक्मिणी से वही संबंध है जो फूल का सुगंध से और आत्मा का परमात्मा से होता है। किंतु यदि आपका ये नाटककार अपने पात्रों में उलझ गया तो रचना श्रेष्ठ नहीं होगी। नारायण नारायण। परंतु शिशुपाल तो विदर्भ पहुंच गया है। समय आने पर मैं भी पहुंच जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नारायण नारायण। आपने तो स्वयं शिशुपाल का शौर्य और पराक्रम देखा है पिताश्री, अब आप ही बताइए क्या वह हमारी रुक्मिणी के लिए योग्य नहीं है? मेरी और तुम्हारी माताश्री के राय में बहुत ही उचित वर है शिशुपाल हमारी पुत्री के लिए, परंतु पुत्री की इच्छा भी तो जान लो पुत्र। महाराज जरासंध की बात मेरे कानों में गूंज रही है। सम्राट ने कहा था कि शिशुपाल भविष्य में इस भारतवर्ष का सम्राट होगा। तब तो हमें इस संबंध में बात बढ़ानी चाहिए। इस संदर्भ में शिशुपाल से भी तो बात कर लो युवराज रुक्मी। अवश्य पिताश्री, अवश्य। शिशुपाल, मेरी बुद्धि प्रदीप्त हो गई है, अर्थात मुझे संबंधों के पीछे के बंधन बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अब इतने तटस्थ ऋषि मत बनो। युवराज की भामिनी ने जो कहा है
उसमें एक ही रूप उभरता दिखाई दे रहा है और वो है विदर्भ के जमाई राज का, मेरे मित्र शिशुपाल का। सुना है राजकुमारी रुक्मणी अति सुंदर है, इतना सुना है मित्र कि मन अब उसके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए अति उत्सुक है। वत्स, तुम्हारी उत्सुकता शीघ्र ही प्रसन्नता का रूप ले लेगी, यह हमारा आशीर्वाद है। यह आपकी दृष्टि है भाभी, मेरी दृष्टि में शिशुपाल मेरे योग्य नहीं है। वो बलशाली हैं, शौर्यशाली हैं, द्वारिकाधीश से अधिक बलशाली और शौर्यशाली तो नहीं है। शिशुपाल को सम्राट जरासंध का आशीर्वाद है, उसी जरासंध का जिसको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने 17 बार पराजित किया है। ये तुम बार बार श्री कृष्ण का उदाहरण क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं श्री कृष्ण की उपासिका हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो रुक्मणी? और मैं विवाह भी उन्हीं से करूंगी, मैं द्वारिकाधीश से विवाह करूंगी भाभी, मैं द्वारिकाधीश से ही विवाह करूंगी। नहीं भामिनी, कृष्ण से उसका विवाह कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है। मूर्ख है वो, मूर्ख है, उसे वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। स्वामी, रुक्मणी आपकी बहन है, इसीलिए मैं उसका हित चाहता हूँ। मैंने उससे कह दिया है कि कृष्ण से उसका विवाह कभी नहीं होगा, उसे विवाह शिशुपाल से ही करना होगा, इसीलिए आज मैं उसे शिशुपाल से मिलाना चाहता हूँ। तुम उसे तैयार करके शीघ्र मेरे कक्ष में ले आओ। परंतु बस बस, यही मेरी आज्ञा है। नारायण नारायण, इतना आवेश भगवान, इतना आवेश। रुक्मी चर्म चक्षुओं से नहीं तो अपने अंतः चक्षुओं से तो देख सकता है कि उसकी बहन रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी माता का अवतार है। देवर्षि, मेरा और देवी रुक्मिणी का वही संबंध है जो फूल और सुगंध का है, अथवा आत्मा और परमात्मा का है। विदर्भ में देवी लक्ष्मी का निवास है, ये जानने के लिए अंतः चक्षुओं की आवश्यकता भी नहीं। ये तो बाहरी चक्षुओं से भी देखा जा सकता है कि विदर्भ संपन्न है, तेजस्वी है, फला फूला है, क्योंकि यहां देवी लक्ष्मी का निवास है। इसीलिए तो राजा वीरेंद्र जैसे लोग बार बार विदर्भ पर आक्रमण करते हैं और विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए तो जरासंध जैसा अधर्मी विदर्भ की ओर आकर्षित हुआ है। हाँ। यदि रुक्मी जानबूझकर अनजान बन रहा है तो नारायण नारायण।